दोस्तों आज हम मौजूद है अजमेर शरीफ के आना सागर झील के किनारे और यहाँ पे ख्वाजा साहब का सबसे बड़ा करिश्मा बताया जाता है। जो ख्वाजा साहब ने अपने एक लोटे में कासे में जो आना सागर का पानी है उसको पूरा अपने कासे के अंदर ले लिया था। तो ऐसी क्या हिस्ट्री है यहाँ की आपको पूरी बताने वाले दोस्तों। सबसे बड़ी करामत बताई जाती है, जो भी जायरीन अजमेर शरीफ आते हैं तो आना सागर ज़रूर आते हैं और यहाँ के पानी की क्या करामत है अभी आपको लाइव बताने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप ये पूरा नज़ारा देख रहे हो, ये अजमेर शरीफ में आना सागर झील है और यहाँ की सबसे बड़ी हिस्ट्री है। यहाँ पे सबसे बड़ा करिश्मा बताया जाता है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ में, यहाँ का सबसे बड़ा करिश्मा बताया जाता है। तभी से यहाँ का पानी सभी लोग लेकर के जाते हैं, जितने भी बाहर से जायरीन आते इस पानी से नहाते हैं और यहाँ से पानी लेकर भी जाते हैं। उनकी इस पानी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आस्था है। तो दोस्तों यहाँ के बारे में हम बताने वाले ऐसी क्या करामत है, तो आप बस वीडियो को पूरा देख। दोस्तों यहाँ पे आना सागर झील के सामने सदाबहार पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम सदाबहार, और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला मुबारक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे चिल्ला मुबारक है। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है जो चिल्ला मुबारक है यहाँ पे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह की इबादत किया करते थे। उस टाइम में यहाँ पर जो राजा हुआ करता था तो पानी जो आना सागर का पानी है ये काफ़ी काम आता था सभी के लिए पीने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पानी पर पेरा लगा दिया था राजा के सिपाहियों ने, यहाँ पर पेरा लगा दिया। उस टाइम में जो यहाँ का राजा था उसने आदेश दिया था कि आना सागर का पानी कोई भी नहीं लेकर के जा पाए, इसलिए यहाँ पे चारों ओर आना सागर के जो राजा के सिपाही थे वे मौजूद थे। तो यहाँ पे जब ख्वाजा साहब के यहाँ से यहाँ पे पानी लेने के लिए आए तो उन्हों को पानी के लिए मना कर दिया गया और कहा गया कि बोल दीजिए कि राजा ने यहाँ का पानी ले जाने के लिए मना करा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने जब ये बात सुनी कि आना सागर के पानी में पेरा लगा दिया गया है और यहाँ का पानी कोई नहीं ले जा सकता, उसी टाइम ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने अपने जो खादी में उनों को बोला तुम ये कासा लेकर के जाओ और आना सागर को आदेश देना, चलो तुमको ख्वाजा साहब ने बुलाया है। तो इस तरीके से फिर वे वहाँ के जो खादिम साहब है वे यहाँ पे आए आना सागर के यहाँ और यहाँ पे कासे को सामने रखा आना सागर को और बोला चलो तुम्हें ख्वाजा साहब ने बुलाया। तो जितना भी पानी आना सागर का था ये पूरा कासे के अंदर आ चुका था, जो भी वह लोटा कासा लेकर के आए थे उसके अंदर पूरा ये आना सागर का पानी आ चुका था। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि उस टाइम में जितने भी यहाँ पर बस्ती थी, आसपास के घर थे, जितनी प्रजा थी, उनके घर का पानी भी उस कासे के अंदर आ गया था। तो ऐसी सबसे बड़ी करामत बताई जाती कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के टाइम में सबसे बड़ी करामत यही है कि जितना भी आना सागर का पानी ये कासे के अंदर आ गया था। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी करामत देख करके वहाँ का जो राजा हुआ करता था वे भी हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया। तो दोस्तों वहाँ की जो प्रजा थी वे भी पानी के लिए मतलब तरसने लगी। तो उस टाइम में वह ख्वाजा साहब के पास में आया और ख्वाजा साहब से माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप एक अल्लाह के नेक वली है, अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हजरत ख्वाजा साहब ने माफ़ करा उनों को और यहाँ पे वापस कासे में से यहाँ पे पानी छोड़ा गया। और उस टाइम में जब से देख लीजिए दोस्तों अभी तक आना सागर का पानी नहीं सूखा है, आना सागर की झील में हमेशा आपको लबालब पानी यहाँ पे दिखेगा, पूरी आना सागर की झील पानी से भरी हुई नज़र आएगी। जितने भी बाहर से आज जायरीन आते तो उनकी इस पानी को लेकर के काफ़ी मेन आस्था रहती है। यहाँ पे जितने भी जायरीन आते नहा करके जाते और कुछ लोग तो यहाँ का जो पानी है लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी करामत यही बताई जाती है अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़ी हुई कि यहाँ पे जो आना सागर का पानी है ये एक कासे के अंदर ले लिया था। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। और जो भी आप यूज करते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जितने भी ग्रुप आप यूज करते हो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ताकि उन लोगों को भी यहाँ के बारे में पता चल पाए कि आना सागर से जुड़ी हुई क्या करिश्मा है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का।